नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में हिंदुत्व पर ठाकरेवार शुरू हो गया है। राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के झंडे का रंग बदलकर मोदी सरकार की तारीफ करने लगे हैं, तो शिवसेना का भी सोया हुआ हिंदुत्व जाग उठा है। कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली शिवसेना ने खुलकर कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुस आए मुसलमानों को देश बाहर निकाल फेंकना चाहिए। शिवसेना का मुखपत्र सामना ने इसी बहाने राज ठाकरे पर भी निशाना साधा और कहा कि देश में घुसे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों को बाहर निकालने के लिए किसी सियासी दल को झंडे का रंग बदलना पड़े तब तो ये मजेदार है। तो आपको हम बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही राज ठाकरे ने अपनी पार्टी एमएनएस का झंडा बदला था, ये देखिए, और शिवाजी महाराज के समय की जो मुद्रा थी वो इस झंडे में आपको नजर आएगी, उसका चिन्ह यहां पर नजर आएगा और साथ ही साथ हिंदुत्व की कसम भी खाई थी। इसी बात को लेकर शिवसेना के मुखपत्र सामना में देखिए क्या लिखा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए मुसलमानों को देश से बाहर फेंकना चाहिए। हिंदुत्व पर यह ठाकरे वार सामने आया है। देश में घुसे पाकिस्तानी बांग्लादेशी को निकालने के लिए किसी को झंडा बदलने पड़े ये तो मजेदार है, यानी कि एमएनएस पर कटाक्ष करते हुए शिवसेना ने यह वार किया है सामना में।